हेलो स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल टू टुडे सेशन आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे स्टूडेंट्स आज हम जिस चैप्टर को पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट यानी कि अलग अलग टाइप के त्योहार जो हमारे देश में मनाए जाते हैं फेस्टिवल्स आर द ओकेजन ऑफ रिक्रिएशन एंड एंजॉयमेंट जो फेस्टिवल्स होते हैं त्यौहार होते हैं ये जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो हम खुशियां आपस में बांटते हैं काफी इंजॉय करते हैं आइए देखते हैं अलग अलग टाइप के फेस्टिवल्स जो हमारी कंट्री में सेलिब्रेट करे जाते हैं नेम द फॉलोइंग फेस्टिवल्स टेक हेल्प फ्रॉम द गिवन क्लू बॉक्स नंबर वन गुरुपूर्ब तो सबसे पहले जो आपको दिखाई दे रहा है वो है गुरुपूरब जो आपको यूजुअली सिक्स के द्वारा सेलिब्रेट होते हुए दिखाई देगा लेकिन ये पूरी कंट्री में इवनली सेलिब्रेट किया जाता है सेकंड दुर्गा पूजा दुर्गा पूजा एक ऐसी पूजा होती है जो यूजुअली कोलकाता से एसोसिएटेड है वेस्ट बंगाल से लेकिन ये पूरे देश में सेलिब्रेट करा जाता है और इसमें गॉडेस दुर्गा को वर्शिप किया जाता है नंबर थ्री होली होली एक ऐसा त्यौहार है जो हमारे देश में हर रिलीजन के लोग सेलिब्रेट करते हैं नंबर फोर्थ ओनम ओनम एक ऐसा फेस्टिवल है जो स्पेसिफिकली केरला में सेलिब्रेट करा जाता है और ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है नंबर फिफ्थ दशहरा दशहरा जो होता है वो नवरात्रि के बाद दसवें दिन में आता है जिसमें रावण की अलग अलग जगहों पे स्टैचूज बना के उसको जलाया जाता है ये सिग्निफिकेंस होता है गुड ओवर बैड यानी कि बुराई पे अच्छाई की जीत नंबर सिक्स क्रिसमस क्रिसमस एक वेस्टर्न कंट्री से आया हुआ एक फेस्टिवल है जो क्रिश्चियंस और कैथलिक सेलिब्रेट करते हैं और इंडिया में भी ये सेलिब्रेट करा जाता है सेवेंथ दीपावली दीपावली यानी कि लाइट्स और स्वीट्स का फेस्टिवल ये हमारी कंट्री में इ रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन हर किसी के द्वारा सेलिब्रेट करा जाता है नंबर एट ईद उल फित्र ईद उल फित्र एक मुस्लिम्स का फेस्टिवल होता है जो मुस्लिम्स सेलिब्रेट करते हैं नॉलेज कॉर्नर दीपावली इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स जो दीपावली है उसे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहा गया है क्योंकि इसमें आप कैंडल्स जलाते हैं दिया जलाते हैं अपने घरों में अलग अलग कलर्स की लाइट्स भी लगाते हैं होली इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स और होली को कहा गया है एक रंगों का फेस्टिवल क्योंकि इसमें आप एक दूसरे को अलग अलग किस्म के रंग लगाते हैं तो स्टूडेंट्स हियर कम्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर आई होप आपको हमारी कंट्री में सेलिब्रेट होने वाले अलग अलग फेस्टिवल्स के बारे में जरूर कुछ जानकारी होगी इनकी जो एक्सरसाइजेस है वो आपको प्रैक्टिस करते रहना है